Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. इसमें हमने देखा था earlier कि कैसे later Mughals decline होती जा रही थी Mughal की authority और rise होते जा रहे थे regent states later जो कि subjugate किए किसने British ने okay? तो हमने later Mughals में फर्रुख शेरते देख लिया था. उसके बाद जो chronology में आते हैं that is the रफी उद दराज और इनका जो टाइम पीरियड है बहुत ही ज़्यादा छोटा है. फरवरी 28 टू जून 4 1790 ओके. सो बेसिकली अगर हम एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से बन जाती है कि ही रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड अमंग द मुगल्स और ये आ जाएगा कि ऐसा कौन सा मुगल नोबल और बेसिकली सॉरी मुगल एम्परर हैं जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पावर में रहे थे. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रफी उद दराज. तो ही रूल बेसिकली फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड अमंग द मुगल्स. ओके नाउ नेक्स्ट आ जाता है रफी उद दौला इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज जून 6 टू सितंबर 1719. ओके नाउ जो सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने प्लेस किया था रफी उद दौला का विद द टाइटल शाहजहां सेकंड. तो अभी तक सैयद ब्रदर्स पावर में थे रियल पावर में दैट इज बिहाइंड द कर्टेन. उनके सारी पावर्स उनके अंडर कंट्रोल थी. शाहजहां सेकंड के नाम से इनको क्या किया गया था टाइटल दिया गया था. और ये जो न्यू एम्परर थे ना एक ओपियम एडिक्ट थे दैट इज बहुत ज्यादा एडिक्शन था इनको ओपियम का. ओके नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एम्परर आते हैं लेटर मुगल्स में दैट इज द मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह इनका टाइम पीरियड है बहुत ही ज्यादा 1719 टू 1748. ओके नाउ अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह ही वॉज द ग्रैंडसन ये ग्रैंडसन है बहादुर शाह के. जो रियल नेम अगर हम इनके देखें इनके किंग का और बेसिकली इनका तो क्या था वो दैट इज दी सॉरी आर यू रोशन अख्तर ये इनका रियल नेम है. नाउ ये बेसिकली ये जो रूलर थे दैट इज मोहम्मद शाह ये रहे थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट दैट इज सैयद ब्रदर्स जो कि किंग मेकर्स थे. ऑन द अदर हैंड इनकी जो क्वीन थी दैट इज द कुदसिया बेगम और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है दैट इज द उधम बाई. इन दोनों के ये इन्फ्लुएंस में काफ़ी रहते थे अलॉन्ग विद इट्स फॉस्टर सिस्टर कोकी जियो ड्यूरिंग द इनिशियल हेयर्स ऑफ हिज रेन. मीन्स सारा का सारा जो भी कंट्रोल कर रहा था बिहाइंड द कर्टेन ऑल द फेस था मोहम्मद शाह का पर सारी की सारी जो पॉलिटिक्स और जो भी था वो कौन कंट्रोल कर रहा था ये थ्री अथॉरिटीज कर रही थी. फिर सैयद ब्रदर्स हो गए और ये कुदसिया बेगम हो गई एंड इनके सिस्टर कोकी जियो थे. ओके नाउ विद द हेल्प ऑफ चिनक्लिच खान अब इन्होंने इनको ये पता चल गया था और बेसिकली इन लोगों और लोगों ने बताया कि ये जो सैयद ब्रदर्स हैं इनकी पावर काफ़ी बढ़ती जा रही है और अगर आपने इनको कहते हैं ना इनको कंट्रोल नहीं किया तो आपका भी हर्ष वही होगा जैसे परुक्षेर जो आपके अर्लियर एम्परर थे उनका हुआ. उनको मार दिया गया था बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल वे में. तो बेसिकली उन्होंने चिनक्लिच खान की हेल्प ली एंड ही किल द सैयद ब्रदर्स. अब इन्होंने सैयद ब्रदर्स को क्या किया असैसिनेट करवा दिया इन द ईयर और ये इंसिडेंट हुआ था 1720 में. नाउ अगर हम देखें तो ही वॉज द मोस्ट प्लेजर लविंग रूलर. ठीक है मोस्ट प्लेजर लविंग रूलर और इसीलिए इनको एक और टाइटल से भी और नाम से भी जाना जाता है दैट इज द रंगीला. ओके रंगीला. नाउ अगर मराठास की बात कर लें अंडर इन रेन में तो मराठास अंडर बाजीराव फर्स्ट
इन्होंने रेड किया था इनकी रेंज में, द सराउंडिंग्स ऑफ दिल्ली में। और ये जो इंसिडेंट होता है ये होता है 1737 में फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप सोच लो कि इनकी जो अथॉरिटी है वो कितनी वीक हो गई होगी कि अब जो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट्स हो रहे हैं दैट इज मराठा, जहाँ पे मेन सीट ऑफ पावर है उसके आसपास रेड कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट दैट इज द नादिर शाह ऑफ पर्शिया, ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ ईरान। इन भाई साहब ने क्या किया था, इन भाई साहब ने इन्वेट कर दिया था इंडिया में इन द ईयर 1739। अब इसमें जो इनकी हेल्प करी थी ना वो करी थी सादत खान ने, सादत खान, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट डिफीट भी कर दिया था मुगल आर्मी को, मुगल आर्मी को। और एक बहुत ही फेमस बैटल का नेम आ जाता है यहाँ पे, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर आपको पता है राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, इफ नॉट देन आई विल टेल यू, दैट इज द बैटल ऑफ कारनाल। ओके और ही टुक अवे, इसी इन्वेजन के तौर पे ही टुक अवे द पीकॉक, फेमस पीकॉक थ्रोन जो कि शाहजहां की थी, एंड कोहिनूर डायमंड फ्रॉम दिल्ली। ओके नाउ जो सादत अली खान थे ये जो गवर्नर थे उस टाइम, इनको बनाया गया था गवर्नर ऑफ अवध रीजन का। दूसरे थे मुर्शीद कुली खान, और ये कहाँ के थे, ये गवर्नर थे बंगाल के। नेक्स्ट आ जाते हैं रोहिलास इन द गैंजेस वैली। जैसे ही ये सब हुआ, इंसिडेंट हुआ, इन्वेजन हो गया, उनकी पावर को काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, अथॉरिटी कम हो गई, इन सब के सब लोगों ने अपनी क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया अपना इंडिपेंडेंस, डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से ये जो लेटेस्ट स्टेट्स फॉर्मेशन जो हुआ है वो अल्टीमेटली फिर जब ब्रिटिश ने सब्जुकेट किया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि इसका बेसिक क्या था, कैसे पहले स्टेट्स एमर्ज हुए थे और क्या क्या कंडीशंस पे हुए थे, कैसे ब्रिटिश ने इजिली उसको सब्जुकेट किया था वन बाय वन। ओके सो दिस इज अबाउट द मोहम्मद शाह एंड द अदर टू लेटर मुगल्स, दैट इज द रफीउद्दराज और रफीउद्दौला। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।